हाउ आर यू। आज मैं आपको घर की जो इलेक्ट्रिकल डीबी है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या है, कहाँ लगी होती है, उसका किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आपके घर के मेन एंट्रेंस में लगी होती है नॉर्मली। देखिए कवर इसका खुल गया है, देख के परेशान नहीं हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, ये मेन है आपका फोर पोल का, इसमें थ्री फेज का है, ये डीबी है। तो इसमें रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज और न्यूट्रल दिया होता है, या फिर न्यूट्रल L1 के हिसाब से अगर न्यूट्रल होगा, रेड है, वाई बी। तो जब आपको खोल के बताऊँ, दिखाएंगे डीबी को तो वेरीफाई करेंगे, बताता हूँ। उसके अलावा देखिए फिर इसमें सेक्शन देखें, हमें लगाते हैं, देखें सेक्शन दिया हुआ है, इसमें कितने सेक्शन हमने किए हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाते हैं, ये चार्ट है इसका, ये है शेड्यूल है, लोड शेड्यूल। इसमें आप देखें क्लियर दिया होता है, इसमें देखें ये मेंशन किया हुआ है मेन ब्रेकर कितने एम्पियर का है, कितने पोल का है, रेटिंग क्या है। और ये देखें सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, फाइव सेक्शन है। और हर सेक्शन का हमने दिया हुआ है लोड कितना क्या है। ये सेक्शन वन में देखें रेड फेज, देखें सेक्शन वन में दिखा रहा है कि रेटिंग जो है एलसीबी की फोर पोल है, 40 एम्पियर, फोर पोल, 100 मिली एम्स। उसमें R1 Y1 B1 और R2 Y2 B2 ये ऐड किया हुआ है। और उसकी MCB की भी रेटिंग दिया हुआ है कि कितने एम्पियर का ब्रेकर है। R1 Y1 B1 का देखें 16 16 का दिया हुआ है, इंडिविजुअल है। और सेक्शन उसका जो है R2 के अंदर कोई ब्रेकर नहीं दिया गया मैंने। और ये Y2 में 16 का लगा हुआ है, B2 स्पेयर है, खाली है इसमें। तो ये देख लीजिए इसमें दिखाया हुआ है, ये है सेक्शन वन, ये फोर पोल की LCB है जो आपको रेडी दिखाई दे रही है 40 एम्पेयर की। और ये सेक्शन टू है, ऐसी है इसमें सेक्शन देखें, ये सेक्शन थ्री की है, सेक्शन फोर, सेक्शन फाइव। ये तो मेन LCB होगी सेक्शन की। तो सेक्शन वन का जब बात कर रहे थे उसमें दिखाया था R1 Y1, ये देखें R1 Y1 B1 और Y2, ये आपको सेक्शन वन की साथ ये कंट्रोल है। अगर ये ट्रिप हो जाता है, इसमें कोई अर्थ लीकेज है इन चारों में से किसी एक में भी, तो ये मेन LCB ट्रिप हो जाएगा, ये इस सेक्शन को पावर कट ऑफ कर देगा। ऐसी सेक्शन टू में है, हमने चेक किया था, सेक्शन टू को भी दिखाता हूँ। देखें सेक्शन टू में दिखा रहा है, ये 7 8 9 सीरियल नंबर है, 9 10 11 12। इसमें R3 Y3 B3 R4 Y4 B4 दिया हुआ है। R3 Y3 B3 में इंडिविजुअल लगे हुए हैं, देख एक 32 एम्पेयर का लगे हुए हैं, R3 में Y3 में 32 है, B3 में 20 एम्पेयर का MCB है, और B4 नहीं है यहाँ पे। Y4 में 20 एम्पेयर का दिया हुआ है, B4 में 20 एम्पेयर का दिया हुआ है। R3 से B4 तक जो है सेक्शन टू के साथ कनेक्ट है, LCB के साथ है। तो ये देखें सेक्शन टू का ये LCB2 है, तो उसके साथ ये कनेक्ट है। यहाँ पे देखें R3 Y3 B3 और R4 यहाँ पे नहीं था, वहाँ पे भी नहीं था, B Y4 और B4 कनेक्टेड है। R3 का B3 का देखें 32 एम्पेयर दिखाया था, R3 Y3 32 एम्पेयर के थे और B3 20 एम्पेयर का था। तो यही, तो इन R3 से ये सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक सेक्शन टू का है। तो इन पांचों सर्किट में अगर कोई भी अर्थ लीकेज होगी, माइनर लीकेज है इसमें, लीकेज अर्थ से लीकेज है, जैसा कोई लीकेज है जो हार्मफुल है, तो ये सेक्शन टू का LCB है, ये ट्रिप हो जाएगा। और इन ब्रेकर्स की जो है इस सेक्शन की, ये तीनों ये पांच जो ब्रेकर हैं ये सप्लाई जा रही है, कट ऑफ कर देगा। ऐसे ही सेक्शन थ्री है, सेक्शन थ्री का भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन थ्री में देखें
आर फाइव वाई फाइव बी फाइव बी सिक्स वाई सिक्स बी सिक्स आर फाइव वाई फाइव और बी फाइव में देखें 20 20 एम्पीयर के लगे हुए हैं ब्रेकर, और बी आर सिक्स यहाँ पे नहीं है, वाई सिक्स बी सिक्स में भी 20 एम्पीयर के लगे हुए हैं। ये सेक्शन आपका थ्री है, ये देखें सेक्शन थ्री है, और सेक्शन थ्री के साथ ये ब्रेकर दिखाया था, देखें 20 20 एम्पीयर का था, आर फाइव वाई फाइव बी फाइव, और इसमें आर सिक्स नहीं था, स्पेयर था, वाई सिक्स बी सिक्स हमारा दिया हुआ है 20 एम्पीयर का। तो इन पांचों में भी कुछ सर्किट में कोई अर्थ लीकेज है, कहीं से उसमें कहीं वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट हर किसी लीकेज हो रही है जो हार्मफुल है, शॉक लगने के लिए शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये आपकी जो एलसीबी है ये ट्रिप कर जाएगी, और इन पांचों ब्रेकर की सप्लाई जो है सेक्शन इससे इस सेक्शन से जितने भी ब्रेकर्स हैं ये पावर जा रही है उनकी पावर कट ऑफ कर देगा, ये सेफ्टी है। देखें वाइफ सेक्शन फोर, इसमें देख लें आप दिया हुआ है आर सेवन वाई सेवन बी सेवन, आर सेवन में कुछ नहीं है, वाई सेवन में 20 एम्पीयर का है, बी सेवन में 32 एम्पीयर का है, वो सेक्शन फोर से है, सेक्शन फोर की एलसीबी लगी हुई है। इसके साथ देखेंगे आर सेवन नहीं है यहाँ पे, ये वाई सेवन है बी सेवन है, ये दो है सेक्शन के साथ, तो इन दो में कोई लीकेज होगी तो आपका ये सेक्शन फोर की जो एलसीबी है आपका ये ट्रिप कर जाएगी, और इन दोनों ब्रेकर्स की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, जो उसमें कोई लीकेज होगी अर्थ लीकेज, जैसे कोई शॉक आपको ह्यूमन बीइंग को कोई किसी चीज़ को लगने का चांसेस हैं, तो सेफ्टी पर्पज़ है, सेफ्टी के लिए है ताकि आपको करंट ना लगे। लास्ट में सेक्शन फाइव है, वो भी 40 एम्पीयर फोर पोल 100 मिली एम्स का है, और ये देखें ये भी है आर एट वाई एट और बी एट में कुछ नहीं है, आर एट में 32 का है और वाई एट में 20 एम्पीयर का है, ये देखें सेक्शन फाइव का है ए सी बी 40 एम्पीयर फोर पोल का है, और इसमें देखें ये दिया हुआ है आर एट वाई एट बी एट नहीं था इसमें, स्पेयर है, लेकिन आर एट जो 32 का था वाई एट जो है 20 एम्पीयर का था। तो इन दो सर्किट के अंदर कोई लीकेज होगी अर्थ लीकेज हो, बॉडी ग्राउंड होने के चांसेस हैं जिसमें करंट लगने के चांसेस हैं, तो ये आपकी सेक्शन फाइव की एलसीबी ट्रिप हो जाएगी और वो आपको करंट लगने से महफूज रखेगी।